लगा, कोई नहीं जा रहा, सामने बजाने लगा, कहने लगा कि क्यों नहीं खुल रहा है दरवाजा। उसके बाद वो आदमी भागा, उसके बाद वो आदमी के हम लोग पीछा किए, वो आदमी नहीं पकड़ाया। नहीं दे रहे पुलिस को इस बार, अगर पुलिस एक्शन नहीं ली तो हम लोग एक्शन लेंगे। हमारी भी माँ नहीं है, हमें माँ की तरह उन्होंने कर रहा है। बच्ची है ये, अपने पिता के साथ उस वक्त बाजार गई हुई थी जिसके बीच में घटनाक्रम हुआ है। बाबू क्या हुआ था, तुम लोग बाजार गए थे उससे पहले? हम लोग गए थे बाजार, फिर मम्मी को फोन आया तो मम्मी बोली कि मेहमान लोग आए हैं। अच्छा, मेहमान का नाम बताया था उसने? नहीं, वो तो ना वो छीन के बोलते हैं क्या। हाँ, मैं चचा हुसैन। जय हिंद दोस्तों, अभी हम कुआड़ी रात बीते रात में जहाँ जो कत्ल को अंजाम दिया गया था, बता दे जो यहाँ पर मर्डर हुआ है, उन लोगों का कहना है कि उनके भतीजे के द्वारा यहाँ पर मर्डर किया गया है, बशर्ते पुलिस रात में भी आ चुकी थी प्लॉट पर। ये 8 बजे कल शाम का घटना है, उसके बाद पूरी कहानी भी जानेंगे कि आखिर अभी तक हुआ क्या है। देखिए, कल 8 बजे रात को कोई इनके घर पे आता है, रिश्तेदार बन के चाय पीने के एवज में बैठता है। जो महिला थी नुसरत जी, वो जाती हैं किचन में चाय बनाने, और उस क्रम में वो आदमी जाके पीछे से उनकी हत्या कर देता है। और उनके जो हस्बैंड थे उनको फ़ोन भी जाता है उसके उनके फ़ोन पर कि कोई रिश्तेदार हैं लोग। बाकी बात, वो आते हैं फिर देखते हैं तो घर में ताला मारा हुआ है, फिर ऊपर से छत से जाके लोग अंदर से दरवाज़ा भी खोलते हैं, तब तक कातिल फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस आती है, पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि कत्ल किसने किया था, लेकिन पुलिस तत्काल गिरफ्तारी नहीं करती। आखिर इसकी वजह क्या है, और DSP साहब भी आए थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था, मैं वीडियो चलाऊंगा कि जो कातिल है। और ये घटना का मुठभेदन हो ही गया है, हम लोग की गिरफ्तारी बाकी है, हम लोग अपराधी कर्मी की पहचान कर लिए हैं और रात तक हम लोग उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इसमें स्थानीय यहाँ बाजार के ही आसपास के क्रिमिनल हैं जिनके द्वारा ये घटना कार्य, उसके बारे में पता चल चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी रात बैठी रहती है, छापा नहीं मारा जाता है और कातिल अभी तक फरार है। जिसको लेकर के यहाँ के जो भी लोग हैं, इनके रिश्तेदार और यहाँ के नज़दीकी लोग हैं, उन्होंने हंगामा किया है और अभी यहाँ पर लगभग हज़ारों लोगों की भीड़ जमी है। वैसे तो फोरेंसिक टीम आ चुकी है, जो फॉर्मेलिटी होगी करके जाएगी, लेकिन सिर्फ इनका ये जो कागजों वाला काम होता है वही सफल होता है, बाकी बात जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने में लोग हमेशा विफल होते हैं। देखिए, अगर रात में जो कातिल था जिसने घटना को अंजाम दिया, अगर उसके विषय पर कुछ पता चला तो रात में छापा मारना चाहिए था, उसे पकड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए थी। प्रथम ये था कि यहाँ के जो SHO हैं उनका ये जिम्मेदारी था, जैसे ही कातिल के बारे में कुछ उनको लगी थी और सूचना मिली थी तो तत्काल ही वो घटना को अंजाम देने वाले को पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन SHO ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे टीम का इंतजार किया, टेक्निकल टीम का इंतजार किया, DSP का इंतजार किया। अब सोच सकते हैं एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद प्लॉट पर कितना देर रुकेगा, और ये होता है कि क्रिमिनल फरार हो जाता है, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जाती है कि पकड़ाया कि नहीं। अब बगल में नेपाल है, क्रिमिनल भाग जाएगा, पकड़ कौन पाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ की पुलिस, जो लोकल पुलिस थी, अगर जिसे पता चला था तो तत्काल कार्रवाई करके उसे पकड़ना चाहिए था। और पूरा जो खुलासा हुआ है, लोगों का कहना है कि आखिर कत्ल कौन किया है, यहाँ के कुछ नज़दीकी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कत्ल किसने किया है। ये छोटी बच्ची है, ये अपने पिता के साथ उस वक्त बाजार गई हुई थी जिसके बीच में घटनाक्रम हुआ है। बाबू क्या हुआ था, तुम लोग बाजार गए थे उससे पहले? हम लोग गए थे बाजार, फिर मम्मी को फोन आया तो मम्मी बोली कि मेहमान लोग आए हैं। अच्छा, मेहमान का नाम बताया था उसने? नहीं, वो तो ना वो छीन के बोलते हैं क्या। हाँ, मैं चचा हुसैन। ओ, मतलब तुम्हारे पापा को उसने नाम लेकर बताया कि मैं हुसैन आया हूँ घर पे। हाँ। और उसी दरमियान तुम्हारे मम्मी का खून हो जाता है। हाँ। और इसे तो ये साफ जाहिर होता है कि जो हुसैन नाम का आदमी बोलता है उसी ने कत्ल किया है। हाँ। और ये हुसैन क्या लगेगा तुम्हारा? मेरे भैये लगते हैं। भाई ने कत्ल किया है। देखिए, ये छोटी बच्ची है मुसर्रत, मम्मी का नाम मुसर्रत था, और पिताजी का शमशाद जी की ये बेटी है, और मुसर्रत जी जिनका कत्ल हुआ है ये इकलौती बेटी है उनकी। और बताइए, जो कातिल था उसने खुद कहा था कि मैं आया हूँ, है ना? अब बता सकते हैं, अगर कातिल के विषय पे पहले से पता था तो थाना के लोग आखिर कर क्या रहे थे?
ये तो कम से कम ये हुआ ना कि कातिल घर में घूम रहा है कत्ल करके और पुलिस देख रही है। सबसे विडंबना की बात है कि आखिर वेट किस बात की करते हैं, पुलिस प्रोसीडर आखिर होता क्या है, अगर कातिल ने कत्ल किया है उसके विषय पे जानकारी मिली है तो किस चीज़ का वेट करते हैं, फोरेंसिक टीम का वेट करते हैं या ये पुष्टि होने तक वेट करते हैं कि कातिल के बारे में जानेंगे। बाकायदा जो जो कातिल था उसका जो चाचा ही लगता है, अब देखिए अपने रिश्तों में ही ये खून किया गया है। बच्ची ने बताया कि उसके पिताजी को फ़ोन आता है घर से और उसकी मम्मी बोलती है गेस्ट आए हैं, और वो फ़ोन छीन के बोलता है कि मैं हूँ अपना नाम लेकर। तो इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि कातिल कौन है, लेकिन अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया। बताइए शहर से घर में कोई 8 बजे आके कत्ल करके चला जाता है लेकिन प्रशासन अभी तक उसे पकड़ने में विफल है। अगर कातिल की जानकारी के बाद अगर प्रशासन उसे नहीं पकड़ सकती है तो जहां मामला ऐसा होता है जहां कातिल के विषय पे नहीं पता है तो फिर प्रशासन उसे कैसे पकड़ेगी। तो ये विडंबना की बात है कि पुलिस पदाधिकारियों में अभी एक कमी देखने को मिली है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बयान लेंगे हम लोग। आप कौन हैं? इनकी बेटी है शरद जी की जी। अच्छे आपके अपने ही लोगों ने उनका कत्ल को अंजाम दिया है? जो भी किया हम नहीं जानते कौन किया, लेकिन जो भी किया है उसको सजा दीजिए आप लोग, इसको सजा दीजिए। कोई घर में आके मार के कैसे चला जाता है किसी को? अच्छा मुख्य कारण क्या रहा? उसका भी पूरा घर उजड़ा हुआ हमको चाहिए, सिर्फ वो लड़का नहीं उसका पूरा फैमिली चाहिए, हमको पूरा फैमिली चाहिए। पापा का घर उजाड़ा रहा है, उसका खानदान उजड़ जाएगा, वो पागल होके मरेगा, उसका लाश कुत्ता खाएगा। वो छोटी सी बच्ची का मां छीन लिया। ये सारे परिजन हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं सच में डर नाम का कोई चीज़ नहीं। अपराधी जो हैं उनको कानून का ना डर है ना प्रशासन का। कत्ल करने के बाद वो खुलेआम शहर में घूमता है और उसे पकड़ा नहीं जाता है। आखिर इसमें इस साजिश में कौन कौन शामिल है? एक दिन का है साजिश तो है नहीं कि आया वो कत्ल करके कोई अंजाम चला गया। उसका फैमिली ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, उन सबका घर सील करिए ना। पुलिस को तो ये पता है ना कि आखिर कातिल कौन है? शक तो जाहिर हुआ है, सबको पता है, सबको पता है कौन किया है, सबको पता है। 8 बजे से लाश पड़ा, कुछ भी पुलिस नहीं कर रहा है। 11-12 बज रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है पुलिस। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये 8 बजे से अभी क्या प्रशासन अभी तक क्या एक्शन लिया है? उनसे पूछे जिसका बीबी मरी है, उनसे पूछे जिसकी माँ मरी है। सारे लोग तो तमाशा लगा के खाली तमाशा देख के अपने घर चले जाएंगे। जिसमें पिता उसका भी घर उजाड़ दिया, उसका भी घर सील कर दिया घर। अच्छा मुखिया जी है उसका फैमिली, उसका अधिकार पकड़ गया, पकड़ गया। कहाँ है सब? पुलिस से पूछिए है क्या है? कातिल था वो, बोला पापा घबराइए आप अस्थिर से आइएगा, हम है। बताइए वो घर में ये इत्तला भी कर देता है कि मैं घर पे बैठा हूँ, आप स्थिर से आइए, उसके बाद उनका कत्ल हो जाता है। हो जाता है तो आखिर कातिल तो वही है ना? चाय बनाती है, मेरी बहन चाय बनाती है, आ पीछे से वार करता है, फिर उसके बाद घर यहाँ मारा वहाँ मारा, फिर गर्दन बताइए। इतना निर्दय हत्या, निर्दय हत्या, जबकि उसकी माँ लगती, चाची लगती, माँ मम्मी पापा बहुत मानती थी, बेटा जैसा मानती थी, बहुत करती थी, बेटा ऐसा करती थी, वो बाप रे बुझा रहा था, नाश्ता खान बिछा रहा था, नाश्ता खाना सब कुछ जान देती थी उन लोगों के लिए। उसके साथ ऐसा करेगा आदमी, उसको छोड़ा जाएगा फांसी के साथ, फांसी जैसे उसको रहता है उसका फैमिली का रहता है, सही उसको छोड़ेंगे नहीं जो भी हो जाए। अच्छा कोई किसी और तरह का कोई मसला होगा या व्यक्तिगत दुश्मनी? कुछ का दुश्मनी नहीं था, कुछ का दुश्मनी नहीं है, पैसा दुश्मन, बदमाश है वो, पैसा लेके चला जाता, कोई बात नहीं है, सिर्फ आया कत्ल किया और पैसे लेके चला गया। जब रिश्तेदार भी मार रहा है तो रिश्तेदार को कोई ढुकने देगा? बोलिए रिश्तेदार अपनों पे, अपने ही जब कत्ल करके जा रहे हैं तो लोग किस पे भरोसा करेंगे? भरोसा करेगा जो अपना आदमी जब कत्ल कर गया तो दूसरा पे भरोसा करेगा? मेहमान आए हम पापा, मेरे मौसी मौसी से फोन लेकर हम पापा आए, रुके 10 मिनट के बाद आइएगा आप, मेरी बहन से बोला 10 मिनट के बाद आइए, तालू काम कर रहा है अपना, तब तक अपने घटना को अंजाम दे काम दे दिया, दे दिया तो बेचारा क्या समझेगा। अच्छा उसके बाद तो पुलिस को ये बयान दिया गया था आपके चाचा द्वारा कि कातिल कौन है, फिर भी अभी तक कातिल घूम रहे हो? घूमना पुलिस सबको चाहिए ना, अधिकार ना। डीएसपी साहब भी आए, डीएसपी साहब ने हमारे कैमरे पे ये बोला था कि जो कातिल है उसका खुलासा हो चुका है, लेकिन अगर खुलासा हुआ तो उसके घर पे सील क्यों नहीं किया गया, उसके घर को, उसके घर के लोगों को क्यों नहीं बाकायदा पकड़ा गया
और जांच की गई और छानबीन की गई। सबसे बड़ा मसला ये है और सबसे बड़ी गलती यहाँ के SHO को है कि जब उनको पूरी जानकारी मिल चुका था घटना के बाद, उसके बाद ही क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सबसे बड़ा विडंबना की बात होती है। और यकीन में अगर पुलिस ही मदद नहीं करेगी लोगों की, जानकारी के बाद पुलिस चुप रहती है, तो फिर अब कौन लोगों के लिए आगे आएगा, लोगों का रक्षा कौन करेगा, ये बड़ा सवाल आता है। एक लड़का है हमारे साथ, क्या आपका क्या बोलना है? भैया मेरे छोटी मम्मी का डेथ हुआ, मैं सुबह थाना गया था, मैं और मेरे छोटे पापा थाना गए थे। थाना में मैंने ऑफिसर से पूछा कि जब आपको पता चल गया है कि मुजरिम वही है तो उसका घर को सील कीजिए, उसका पापा घूम रहा है रोड पे, उसके पापा को पकड़िए, आखिर आपने ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट से उसको आपने अपने औलाद से नादाखिल कर दिया, आप तो आपका तो औलाद है, आप उसको पापा को सील कीजिए तब ना बेटा हाथ में आएगा। और सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा हाथ उसका पापा का है, उसका मन बढ़ाने में। इससे पहले उसने बहुत सारा कांड किया है मगर अपना बाप का मुखिया का पद पे पैसा पे साला बचा लिया है उसको, मगर इस बार वो नहीं बचेगा, इस बार वो नहीं बचेगा। जो होगा इसके लिए सब करेंगे हम लोग, इसका सब होगा। इसके बाद मेरा छोटी मम्मी का कत्ल हुआ, मेरा माँ का कत्ल हुआ है, कत्ल करने वाला भी तो आपका ही खून, आपका ही भाई था। बिल्कुल मेरा ही खून है, आप कैसा खून का रिश्ता जब उसने खून का होली खेल दिया। वो मम्मी मेरा दो दिन पहले मेरे घर से आई है, मेरे घर गई थी, मैं कभी मेरे घर नहीं आती थी, मैंने उनको बुलाया प्लीज आइए आइए, 5 साल पे वो मेरे घर गई थी, उनको मैं रोकते रह गया, मगर छोटी एक बहन है। आप उस बच्चे को देखिए, उस बच्चे को देख के कुछ लग रहा है आपको कि कहीं से बच्चा का कुछ होगा? रोना रोना रही है छोट। अब देखिए मामला साफ है, यहाँ जो यहाँ का घटना है पूरा होली खेलेगा उसका भी घर बर्बाद हो जाएगा। काम ही नहीं कर रही है, खुलासा पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, कर रही है पुलिस जो करना चाहिए वो कुछ नहीं कर रही है। हम लोग सुबह से 5 बजे सुबह से अभी लड़का पैसा लेना था हमसे, घर को बंद कर पहले, घर पूरा बंद था, कोई नहीं जा रहा, सामने बजाने लगा, कहने लगा कि क्यों नहीं खुल रहा है दरवाजा। उसके बाद वो आदमी भागा, उसके बाद वो आदमी के हम लोग पीछा किए, वो आदमी नहीं पकड़ाया, फिर उसके बाद उस छत से सब घुसा और उधर से ताला तोड़ के अंदर में घुसा, तभी इधर का ताला बंद था, तो इसको ताला तोड़ के हम लोग घुसे। मतलब वो पहले ताला मार देता है, पहले ताला मारा हुआ, सब घर में ताला सब चीज में बंद कर दिया था, कोई चीज नहीं खुला था, एक खिड़की भी नहीं खुला था, कि खिड़की एक तो खुलता कि आदमी देखता नहीं, बंद हुआ मुंह बंद है, कुछ भी नहीं। मत अच्छा, कितने लोग आशंका जता सकते हैं आप लोग, वो कितने लोग आए होंगे कत्ल करने के लिए? आदमी आया था, अच्छे आदमी, फिर लोग भागे होंगे, 6 आदमी तो देखे होंगे ना लोग, नहीं सबूत क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं वो नहीं, एक बात बताएं, अगर एक पे इशारा की उस लास्ट टाइम वार्निंग दे रहे पुलिस को, इस बार अगर पुलिस एक्शन नहीं ली तो हम लोग एक्शन लेंगे, हमारी भी माँ नहीं है, हमें माँ की तरह उन्होंने कर रहा है, अगर अगर कुछ भी हुआ तो पुलिस को छोड़ेंगे नहीं इस बार अभी तक। लेकिन पुलिस नहीं पकड़ी, उनको सभी जानकारी है, उनके फैमिली वालों तक को भी नहीं पकड़ी, क्यों नहीं पकड़ी, क्यों पुलिस क्यों बनाया गया है, आगे वाले से उनका कोई ताल्लुक हमें नहीं मिलेगी तो पुलिस पे डिपेंड क्यों रहेंगे, हम खुद एक्शन नहीं ले सकते, जो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग हम भी ले सकते हैं, हम भी खुद का डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लड़कियां पुलिस पे डिपेंड रहती है, लेकिन लड़कियां ही अनसेफ है हमेशा से, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर पे लोग बिलीव करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनको जो इंसाफ दिलाएगा, बाकी लड़कियां आजकल की लड़कियां कमजोर नहीं है, ये पुलिस जान ले। लेकिन फिर भी हेल्प करने से वो लोग, अभी आप लोगों का ऐसा तो देखने को ही नहीं मिला, किसी की गिरफ्तारी भी थी बात है, अगर पुलिस एक्शन नहीं ली उसके घर को आग लगा दिया जाएगा, फिर आप लोगों को कुछ अलग कदम उठा, कुछ भी करे पुलिस उसके बाद एक्शन लेगी ना हम पे, उसके बाद हम पे एक्शन लेगी, अभी एक्शन नहीं ले रही है, अभी एक्शन नहीं ले रही है, इतना मर्डर कर दिया, लेकिन करेंगे तो एक्शन लेगी वो, अभी वन साइडेड था ना, अभी वन साइडेड है तो वन साइडेड नहीं चलता ना ये, जब टू साइडेड होगा बड़ा हंगामा होगा दंगा होगा फिर पुलिस काम करेगी, पुलिस काम करे या ना करे,
अच्छा क्या लग रहा है, ये जो सभी काम हो रहा है, जो प्रोसीडर निभाया जा रहा है, ये फोरेंसिक टीम आना, रात में डीएसपी का आना, पुलिस का यहाँ बल खड़ा रहना, ये क्या है? आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ कर पाएंगी, ये बस फॉर्मेलिटी निभा रही है। आज एक्शन ले रही है, कल भी एक्शन लेंगी, परसों भी एक्शन लेंगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद ये सो जाएंगी फिर से। ऐसे कांड हमने देखा है कि दिन दहाड़े कोई आता है, किसी को कोई गोली मार के चला जाता है, पब्लिक चिल्लाती रह जाती है, पब्लिक मॉब बना के खड़ा होती है, प्रोटेस्ट करती है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है, जुडिशरी चुप हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर चुप, पुलिस आज तक कातिल को ढूंढ नहीं पाती है। क्या लगता है यहाँ ऐसा ढूंढ पाएगी? पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी, हम ढूंढेंगे ना। पुलिस नहीं ढूंढती है तो आप लोग खुद से उस पर ढूंढेंगे? उसको हम जरूर ढूंढेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा नुसरत जी आपकी कौन थी? मेरी खाला है, मेरी मासी है। मासी है आपकी। वैसे ये बात भी पता चला कि आपकी जो खाला है उनको अपनी औलाद नहीं थी तो उन्होंने इन्हें अपनाया था। उन्होंने सबसे पहले मुझे पाला है, मैं 6 महीने की थी जब मेरी माँ गई, उन्होंने सबसे पहले मुझे पाला, फिर उसके बाद इसे अडॉप्ट करा है। और आपके खाला भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे कि उन्होंने हमेशा से उनका केयर किया। आप उनकी बात कर ही नहीं सकते, जब एक खाला अपनी बहन की बेटी को पाल सकती है, जब 6 महीने की थी वो, उसकी माँ चली गई। ये ना कम जो गलतियां हैं, मुझे तो लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छूट दे चुकी है। और ये SHO की गलती मैं सबसे ज़्यादा दूंगा कि रात में उन्हें पता चला था तो उन्हें सबसे पहले उसके घर पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए था, और DSP साहब को भी इस पे कार्रवाई करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट इस बजाय इसके कि कातिल का पता चला है कुछ नहीं लिया। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद है और लोग अभी ज़्यादा पैनिक है। पूरा रिपोर्ट दिखाएंगे हम, SHO से भी बात करेंगे, अगर बाकायदा SP आते हैं तो उनसे भी बात करके हम पूरी जानकारी देंगे। जय हिंद।